है भास्कर सर्कल पे, और रोज की तरफ वही मैं 9, 9:30 बजे के आसपास अपने रूम की तरफ जा रही थी। सरदारपुरा मेरे रहने का है ना, तो वही 9:30 बजे के बीच मैं लोको वाली रोड पे जब क्रॉस कर ही रही थी, पीछे से ट्रैफिक पुलिस थे, वर्दी पहनी हुई थी, सिंगल स्टार था उनका, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर के एक और एएसआई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 5,000 रुपये मांग कर महिला का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हेलमेट कहाँ है, नहीं तो 5,000 रुपये देने होंगे। ये छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है, बड़ी खबर मिल रही है सोमवार रात का। पीड़िता महिला ने बताया कि सोमवार रात करीब 9:30 बजे स्कूटी पर भास्कर चौराहे से सरदारपुरा स्थित घर के लिए रवाना हुई, जो उसका सैलून था वहाँ से रवाना हुई। रेलवे कॉलोनी स्थित शराब के ठेके के पास पहुंची तो एक बाइक सवार पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हुए पहुंचा। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद उसने हेलमेट के बारे में पूछताछ की। हेलमेट नहीं होने पर 5,000 रुपये मांगे, नहीं होने की बात कही तो हाथ पकड़कर यहां पर जल्दीबाजी में 4,000 रुपये की बात कहने लगा। इस बीच यहां पर इसका विरोध किया तो मामला विवाद में पहुँच गया। आसपास के लोगों ने एसआई को अमित मीणा को समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और विवाद करने लगा। फिलहाल यहाँ पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया और एसआई अमित मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। यहां पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को सस्पेंड कर दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।